हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप मेरे सामने आज देख सकते हैं ये प्लांट है और इसका नाम ड्रेसिना प्लांट है। ड्रेसिना प्लांट में दोस्तों बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन उन्हीं में से ये एक वैरायटी है जो मैंने इतने सारे तैयार किए हैं पॉट में। और ये मैं एक प्लांट लाई थी और एक प्लांट से मैंने इतने सारे तैयार कर लिए और बहुत सारे तैयार भी हो सकते हैं। तो आज मैं इसकी कंप्लीट केयर के बारे में आप लोगों से बात करूंगी और मैं बताऊंगी कि बहुत अच्छा प्लांट है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, और इसको कब कैसे कहाँ कैसे लगाया जाता है, इसके लिए कैसे मिट्टी तैयार की जाती है और इसके लिए जो है क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए पॉट कैसा चाहिए, इसको पानी कितना देना है, इसको कितनी सनलाइट देना है। तो आज मैं इन्हीं सब बातों का डिस्कस इसमें करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी। तो अपने गार्डन में ड्रेसिना प्लांट ज़रूर शामिल करें, ये बहुत अच्छा है, कम केयर में बहुत अच्छा प्लांट है और बहुत ज़्यादा इसकी केयर भी नहीं करनी पड़ती है। तो आज मैं इसी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करती हूँ ये ड्रेसिना प्लांट कैसा प्लांट है। तो ड्रेसिना प्लांट बहुत ही प्यारा प्लांट है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने रखा हुआ है और कितना प्यारा लग रहा है। इसकी जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो देख सकते हैं आप कितनी सुंदर लग रही हैं। तो ये समर सीज़न का प्लांट है, इसकी ग्रोथ समर सीज़न में होती है, लेकिन ये फुल सनलाइट का प्लांट नहीं है। जैसे ब्राइट लाइट, बहुत तेज़ रोशनी वाली जगह पे इसको रखिए, सेडी एरिया में, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। बिल्कुल भी इसको सनलाइट, जैसे मॉर्निंग की अगर एक दो घंटे की सनलाइट इसको मिल जाती है तो वो इसके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर 12 बजे के बाद वाली, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी और जलने वाली सनलाइट इसको मिल रही है तो थोड़ी सी इसकी पत्तियाँ ब्राउन होने लगती हैं और पत्तियाँ जल जाती हैं और वो बिल्कुल सूख के पापड़ जैसी बन जाती हैं। जैसे मेरे प्लांट में तो अभी दिख नहीं रही, अभी मैंने बहुत सारी ये देखो तोड़ा है, इस तरह से पत्तियाँ हो जाती हैं इसकी, इस तरह से ये देखिए। तो ज़्यादा सनलाइट में इसको रखने वाला नहीं है, तो ये समर सीज़न का प्लांट है और समर सीज़न में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप आउटडोर रखते हैं तो इसको, अगर ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे जो है कम सनलाइट इसको मिले, ब्राइट लाइट मिले, सूरज की रोशनी मिले और सनलाइट इसको डायरेक्ट ना मिले, और सेडी एरिया का प्लांट है दोस्तों। और आप अगर इसे नर्सरी में लेने जाते हैं तो ये 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का मिल जाता है, क्योंकि मैं बहुत पहले लाई थी तो ये मुझे बहुत छोटा सा प्लांट था, इतना मतलब इतना ही बड़ा हुआ था, इतना छोटा सा था, तो मुझे ये 60 रुपीज़ का मिला था नर्सरी में। तो देखने में बहुत प्यारा लगता है, इसकी पत्तियाँ ब्राउन और ग्रीन थोड़ा सा होती, देखिए ऊपर ये रेड है आप देख सकते हैं, और नीचे देखिए इसकी पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी ग्रीन हैं। तो उनकी पत्तियों की खूबसूरती की वजह से लोग इसे लगाते भी हैं, अपने गार्डन में इसको शामिल भी करते हैं। तो मैं आज सबसे पहले बात करूंगी इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है। जब भी आप नर्सरी से इस प्लांट को लाते हैं तो मैंने हमेशा बताया है कि इसको तुरंत आपको गमले में शिफ्ट नहीं करना है, इसको आप एक दो दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, सेडी एरिया में रख दीजिए, उसके बाद इसके लिए मिट्टी तैयार कीजिए। मिट्टी में आपको बहुत ही वेल ड्रेन बनानी है, हल्का सा मॉइस्चर मिट्टी में हो, उसके लिए जो है आप कोकोपीट मिला सकते हैं। कोकोपीट मिला लीजिए, एक का आधा भाग मिला लीजिए कोकोपीट, और एक भाग अपने गार्डन की मिट्टी ले लीजिए, थोड़ा सा बालू मिट्टी ले लीजिए और थोड़ी सी इसमें गोबर की खाद मिला दीजिए। कोकोपीट मिलाने का पर्पस यही है कि इसमें हल्का सा मॉइस्चर हो, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। और इस समय तो बहुत बारिश वाला मौसम चल रहा है तो इसको थोड़ा सा बारिश से भी बचा के रखना है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, और ना ही पानी कम भी पड़ना चाहिए। तो मिट्टी जो है इसकी बनानी है आपको बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन, उसमें एक भाग आप अपने गार्डन की सॉइल ले लीजिए, एक का आधा भाग आप जो है उसमें कोकोपीट मिला लीजिए, बालू मिट्टी मिला लीजिए एक भाग, और उसमें गोबर की खाद एक भाग मिला लीजिए या एक के आधा भाग मिला लीजिए। तो इस तरह से मिट्टी इसकी तैयार करना है और उस मिट्टी में इसको लगाना है, हल्का सा मॉइस्चर मिट्टी होल्ड कर ले, ऐसी इसकी मिट्टी बनाना है, वेल ड्रेन बनानी है, मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए। और पानी अगर रुकेगा तो ये गलता भी बहुत जल्दी है, सड़ जाता है एकदम, बहुत ज़्यादा ही मतलब उसकी बेकार हो जाता है, कि जैसे बारिश में हम बाहर रख देते हैं उसमें पानी, एक अगर रोज़ डेली बरसात का पानी इसमें पड़ता रहे
ज़्यादातर है तो ये सड़ जाता है। और इसमें मेरे देखिए इस बाल्टी में लगा हुआ था, ये देखिए ये डंडी सड़ गई थी ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से, तो मैंने अभी इसको काटा है ये पूरा। और इसमें एक डंडी इसमें जान बाकी थी, तो देखिए कितनी ज़्यादा इसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है। देखिए इस तरह से हो जाता है जब ज़्यादा ओवर वाटरिंग होती, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्लांट में मेरे जान बाकी थी, तो देखिए कितने सारे इसमें छोटे छोटे प्लांट निकले हुए हैं। ये देखिए कितना गुच्छा निकला हुआ है। तो इस तरह से आपको बारिश के मौसम में थोड़ा बचाना पड़ेगा, वरना प्लांट की ऐसी ही हालत हो जाती है ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से। तो ड्रेसिना प्लांट बहुत अच्छा है, मैंने बताई आपको कैसे तैयार करना है। पॉट आप प्लांट के हिसाब से लीजिए, छोटा प्लांट है तो छोटे हाइट में वाले गमले में लगाइए, अगर बड़ा पॉट है आपके पास तो उसमें भी लगा सकते हैं अगर बड़ा प्लांट है। इसकी रूट ज़्यादा बाउंड नहीं होती हैं जल्दी, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। रूट अगर बाउंड हो रही है छोटे से पॉट में आप लगा दीजिए, अगर रूट बाउंड हो रही है तो उसको थोड़ा सा बड़े गमले में लगाइए, लेकिन प्लांट के हाइट के हिसाब से ही उसको पॉट प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि जो है आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं और बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, जैसे जैसे बड़ा होता जाए उसको जो है बड़े गमले में शिफ्ट करते जाइए। तो देखिए मेरा तो ये छोटे छोटे प्लांट है, तभी मैंने ये एक इंच का गमला होगा मैंने इसमें लगा दिया है, और ये कटिंग से तैयार किया, काफ़ी अच्छा प्लांट मेरी ग्रोथ कर रहा है ये। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्लांट है। अब बात करती हूँ इसके, जैसे मैंने बताया कि पॉट कैसा लेना है आपको, छोटा लीजिए या बड़ा लीजिए, प्लांट के हिसाब से लीजिए। प्लांट जैसे हाइट में छोटा है तो छोटे गमले में लगाइए, अगर बड़ा है तो बड़े गमले में लगाइए, इस तरह से आपको पॉट इसको देना है। पानी की बात करते हैं, इसको ओवर वाटरिंग नहीं देना है। ओवर वाटरिंग अगर आप करेंगे तो मैंने अभी दिखाया कि ओवर वाटरिंग के ये सड़ जाएगा, गल जाएगा, और कोई भी ब्रांच, सारी ब्रांचों की जो पत्तियां हैं वो सारी जो है बिल्कुल पीली हो जाएंगी। और ज़्यादा ओवर वाटरिंग होगा तो जैसे ये देखिए जैसे इसका जो है टिप कितना जो है ब्राउन हो रहा है, ये ज़्यादा पानी मिलने की वजह से होता है। जैसे ज़्यादा पानी मिल जाएगा तो इस तरह से पत्तियाँ इसकी आगे से ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और पूरी पत्ती ख़राब हो जाती है। तो ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना है, हफ्ते में एक से दो बार पानी इसको दे दीजिए। और जो है इसको पानी भी देना है तो एक बार अगर हफ्ते में डाल रहे हैं तो बहुत अच्छे से पानी दीजिए, पूरा गमला भर के दीजिए, ताकि इसकी रूट्स को नीचे तक पानी अच्छे से मिल जाए। एक बार 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 इसमें पानी नहीं डालना है। समर सीजन जैसे मई जून का महीना होता है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है कि सबसे पहले इसको शेडी एरिया में रखिए, जहाँ पे जो है ब्राइट लाइट आती हो लेकिन सनलाइट डायरेक्ट इस पर ना पड़े। तो सबसे पहले इसको शेडी एरिया में रखिए और इसमें ओवर वाटरिंग ना हो, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आप लोगों को। एक टाइम पानी देना है, मॉर्निंग में आप पानी दीजिए और इसको शेडी एरिया में रखें। इसकी मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए इसमें मिट्टी जो है गीली नहीं है लेकिन मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर है। मिट्टी इसकी ऐसी बनानी है कि जो है हल्का सा मॉइस्चर को होल्ड करके रखे, इसीलिए मैंने कोकोपीट बताया आपको। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है और पानी इसमें कम भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार पानी दे दिया तो दो दो तीन तीन हफ्ते पानी इसमें नहीं डाला, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मिट्टी में मॉइस्चर ज़रूर बना रहना चाहिए, इसलिए इसको शेडी एरिया में रखे। शेडी एरिया का प्लांट है ये, फुल सनलाइट का प्लांट नहीं है। अगर इसे मॉर्निंग की एक दो घंटे की सनलाइट मिल जाती है दोस्तों तो ये उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखा जाता है। अगर फुल सनलाइट में इसको रखेंगे तो जो पत्तियों का कलर है इस तरह से अच्छा सुंदर सा आ रहा, देखिए रेड रेड, पहले ये ग्रीन निकलती नीचे से और फिर धीमे धीमे जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है इसकी पत्तियों का कलर भी चेंज होता जाता है। उसकी पत्तियों में देखिए एक शाइनिंग होती है, कितनी सुंदर पत्तियाँ लगती है, ऐसे गुलाब की जैसे ये खिलता जाता है ऊपर साइड पर, तो काफ़ी सुंदर ये लगता है। इसलिए इसको शेडी एरिया में रखिए जहाँ पर इसको कम धूप मिले। सुबह मॉर्निंग की एक दो घंटे की सनलाइट मिल जाती है वो इसके लिए बहुत काफ़ी है। तो मैंने मिट्टी की बात कर लिया, इसको मैंने पॉट की बात किया और मैंने पानी की बात किया कैसे पानी देना है, और सनलाइट की बात किया कि ये सिटी एरिया का प्लांट है, फुल सनलाइट का प्लांट नहीं है दोस्तों, और इसको जो है कैसे हमें पानी देना है, दो हफ्ते में एक हफ्ते में एक बार डाल दीजिए, दो हफ्ते में दो बार इस तरह से आपको देना है। अगर मिट्टी इसकी ड्राई हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसको पानी आप जो है हफ्ते में दो या तीन बार दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जैसे मई जून की गर्मी होती है
तो इसको पानी आप सुबह भी दे सकते हैं और शाम को भी दे सकते हैं। तो गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, पूरा झुंड बना के रख देते हैं और झुंड के बीच में इसको रख दीजिए, झुंड बनाइए प्लांटों का, उसी के बीच में इसको रख दीजिए, तो मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर भी बना रहता है, प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट वाली गर्मी इनको नहीं मिलती है, इनकी जड़ों को नहीं मिलती है और ना ही इनकी मिट्टी को, इसकी मिट्टी को मिलती है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ खाद की, खाद कैसे देना है। जैसे मैंने बताया कि गोबर की खाद सभी प्लांटों के लिए बहुत अच्छा अच्छी खाद होती है, उसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर जो है इसको एनपीके हर 15 दिन पे दे सकते हैं, एनपीके 90-90 अपने पॉट के हिसाब से उसको पानी में घोल के दे सकते हैं, और या तो फिर जो है इसमें वो बोन मील भी दे सकते हैं। ये सारी खादें अपने पॉट के हिसाब से आप इसको हर 15 दिन पे दे सकते हैं, उससे इसकी पत्तियों का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों बोन मील है, गोबर की खाद है और जो है एनपीके है, ये सारी खादें इसको हर 15 दिन पे अपने पॉट के हिसाब से, प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं। तो ये खाद आप दीजिए, हम अपने प्लांट को केवल गोबर की खाद ही देते हैं और वो भी बारिश के पहले मैं छोड़ देती हूँ, एक एक इंच की मिट्टी निकाल के, और फिर जो है वो प्लांट मेरा बहुत अच्छा रहता है, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। अब बात करती हूँ कि ये कटिंग से कैसे तैयार होता है। कटिंग से बहुत आसानी से दोस्तों तैयार होता है, कटिंग लगाना तो बहुत आसान है। ये देखिए ये प्लांट मेरा कटिंग से ही लगा है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इसकी पत्तियाँ, छोटे छोटे प्लांट मैंने लगाया था और आप लोगों को शायद मैंने दिखाया भी था, तब मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर से इसका वीडियो बनाऊंगी और दिखाऊंगी कि कटिंग कैसे लगाई जाती है। तो कटिंग लगाना बहुत आसान है, कटिंग लगाने के लिए आप छोटा सा पॉट ले लीजिए और कटिंग को काट लीजिए, जैसे कि अभी मैं बताती हूँ ये कटिंग आपको काट के, जैसे ये है, ये ब्रांच है, ये देखिए ये ब्रांच है और इसको मुझे काटना है, तो मैं यहाँ से इसको काट दूँगी ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये जैसे कटिंग निकली है, इस तरह नीचे के सारे पत्ते हटा देना है इस तरह से, और मैं अभी ऐसे ही बता दे रही हूँ, फिर इसको अलग से बताऊँगी मैं लगाना आप लोगों को। कटिंग से बहुत आसानी से लग जाती है और नीचे के सारे पत्ते आपको हटा देना है, तो कम से कम एक इंच कम से कम मिट्टी के अंदर दबाना है हमको और बाकी जो है बाहर रखना है। तो ये कटिंग मेरी रेडी हो गई लगाने के लिए, अब इसको मैं इस पॉट में ही लगाऊंगी, इसमें थोड़ा सा स्पेस है, इसी में मैं ऐसे लगा दूंगी, ऐसे मिट्टी में बस दबा देना है इस तरह से, और ये कुछ दिन में अच्छी ग्रोथ करेगी, बस इसमें पानी डाल देना है। और कटिंग जब भी लगाइए तो उसकी मिट्टी बहुत वेल ड्रेन होनी चाहिए, मिट्टी में पानी बिल्कुल भी भरना नहीं चाहिए। तो बहुत आसानी से दोस्तों इस तरह से लग जाती है, और ये देखिए इसमें मैंने पॉली बैग में भी इसकी कटिंग लगाई थी, तो आप लोग देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई है। इसमें एक ये पॉचुला का प्लांट है, ये वाइट पॉचुला है और काफ़ी सुंदर प्लांट है ये, और इसकी अब मैं इसको पॉट में शिफ्ट करूंगी, आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी। ये कटिंग से मैंने तैयार किया था, कटिंग से काटने के लिए आप यहाँ से भी, जैसे ये डंडी, ये लंबी लंबी डंडी निकल रही, तो यहाँ से भी काट सकते हैं। अगर हम यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से दो चार ब्रांचें और निकलेंगी और घना हो जाएगा, तो जब हम इसे गमले में शिफ्ट करेंगे तब इसकी कटिंग हम करेंगे। तो दोस्तों ड्रेसिना प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप इसे इंडोर रखिए, इंडोर में रखने से काफ़ी अच्छा कलर इसका आता है, काफ़ी सुंदर भी लगता है, तो आप लोग इंडोर रखिए, और आउटडोर रखते हैं तो इसको शेडी एरिया में रखिए, जहाँ पे कम धूप इसको मिलती हो, बहुत मतलब ब्राइट लाइट इसको मिले लेकिन बहुत ज़्यादा जलने वाली सनलाइट ना मिले। पानी का आपको ध्यान रखना है कि कितना देना है पानी, जैसे हफ्ते में एक ही बार इसको पानी दीजिए और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। खाद मैंने बताया, पानी बताया, सनलाइट बताया, सनलाइट इसको जैसे मॉर्निंग की सनलाइट एक दो घंटे की मिल जाती है, उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ दोस्तों करता है ये। तो ड्रेसिना प्लांट के बारे में मैंने आज आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई, तो आप लोग इसी तरह नर्सरी से इसको ला के लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसको खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा अगर 15 दिन पे आप एनपीके कुछ पॉट के हिसाब से डाल देते हैं, या गोबर की खाद की लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल देते हैं, या फिर जो है बोन मील थोड़ा सा हर 15 दिन पे, ये तीन खाद मैंने बताया है, जो मैं तो अपने प्लांट को नहीं देती हूँ कोई केमिकल खाद,
केवल गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र या मैं ऐसे डायरेक्ट अप्लाई कर देती हूँ। ज़्यादा मैं केमिकल वाली खादें कम देती हूँ प्लांटों को, लेकिन बताना मेरा काम है, बाकी आपकी इच्छा है, आप जो खाद देना चाहते वो दीजिए, लेकिन जो है जो डाली जाती जो प्लांट के लिए अच्छी होती हैं वो देती हूँ, लेकिन मेरा मानना है ऑर्गेनिक खाद जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है हमारे प्लांटों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। तो मैं ज़्यादातर तो गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ, और बाकी मैं बताती ज़रूर हूँ, क्योंकि ये भी खादें बहुत अच्छी होती हैं, थोड़ा सा केमिकल खाद होती है। इसलिए बहुत सारे नए गार्डनिंग दोस्त हमारे हैं जिनको अभी तक अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि केमिकल खाद हमें कितनी देनी है, किसी को वो किसी प्लांट को ज़्यादा दे देते, किसी को कम देते हैं, तो उनके प्लांट थोड़ा सा ग्रोथ कम होती है और कभी कभी मर भी जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने ड्रेसिना प्लांट के बारे में बताया आप लोगों को। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।